हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी टुडे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि उनको बीएड के पेपर चाहिए, तो मैं आज अपलोड कर रहा हूं आपके लिए। और एक तरीके से जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, कौन कौन से पेपर हैं, तो उन सारे के सारे पेपरों को मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, ताकि आपको एक तरीके से पेपर देने में आसानी होगी और आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि पेपरों को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और क्या क्वेश्चंस में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। ओके, तो देखिए, आपका जो पहला पेपर है वो आपका क्या होगा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये हर जगह है, कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस ये वाला जो बुक है ये आपके पास जरूर होगी, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, और जहाँ का ये पेपर है वहाँ 70 मार्क्स का था और 30 मार्क्स का आपका क्या था, एक तरीके से आपका इंटरनल के एग्ज़ाम थे, और 2 आवर्स का ये पेपर था। और काफ़ी अच्छी स्पीड बनानी पड़ती है इन एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि अगर आप एक तरीके से थोड़ा इधर उधर भी देखते हैं तो इनको उसको अटैम्प्ट करना पेपर को काफ़ी हार्ड हो जाता है, क्योंकि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको 4 या 5 पेज लिखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी स्पीड बनानी पड़ती है। तो जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करने थे, और सेक्शन बी है आपका, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। और आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल ईजिली, तो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इंस्ट्रक्शन इस तरीके से पेपर में आते हैं तो आप इसे स्टॉप करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आगे चलिए बात करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और एक तरीके से थोड़ा सा साइकोलॉजी से बेस्ड होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो जाता है इसमें। चाइल्ड की साइकोलॉजी क्या होती है, जब चाइल्ड ग्रो करता है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरीके का जो ये पेपर है काफ़ी अपने आप में एक बहुत अच्छा पेपर है, एक तरीके से आप इसमें काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जैसे व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक तरीके से प्रिंसिपल्स क्या हैं, मुख्य सिद्धांत क्या हैं, ये आपको देखना था। राइट एजुकेशनल ठीक है, इम्प्लीकेशंस ऑफ पिगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये देख सकते थे आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और देखिए यहाँ पर, गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस, मतलब एक तरीके से जो किशोर अवस्था होती है उसकी मुख्य विशेषताएं लिखनी थी। डिफाइन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओके। तो इस तरीके से क्या है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये सारे साइकोलॉजी पे बेस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। मेंटल हेल्थ एक तरीके से काफ़ी टाइप से होती है, ठीक है। एक तो जब क्या होता है, बच्चा क्या होता है पेट में होता है माँ के, तभी भी एक तरीके से मेंटल हेल्थ बन जाती है उसकी, अगर प्रोटीन न्यूट्रिशंस अगर टाइम से ना लिए जाएं। एक तब की भी मेंटल हेल्थ होती है, एक मेंटल हेल्थ तब भी होती है जब उसकी सराउंडिंग्स नेगेटिव होती हैं, मतलब सराउंडिंग जो होती है बेबी की, जैसे फैमिली से भी हो सकती है या फिर आप एनवायरमेंट जो या स्कूल से भी हो सकती है। तो ये सब मेंटल हेल्थ में स्टूडेंट आता है, ये सब आपको क्या करना था, लिखना था। सेक्शन बी में देखिए, आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, वो जो एक क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो काफ़ी अच्छा पेपर है, काफ़ी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, गिव द वेरियस मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन एनी वन मेथड इन डिटेल्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ रखा है ये, और इसमें कम से कम 4 या 5 यूनिट होंगी जिसमें से आपका इतना अच्छा पेपर बना हुआ है। डिस्कस सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हाईलाइट्स द रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल इन दिस डेवलपमेंट, ओके। तो आप अगर बीएड के एक तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो देखिए, डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती है, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस, एंड डिस्कस स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 1st factor, 3 factors, ये भी आप पढ़ सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल ईजिली इन सबको देख सकते हो। और वट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ, देखिए मेंटल हेल्थ का एक क्वेश्चन आ गया है, वट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेंटली हेल्थ पर्सन। तो देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं बेस पे क्वेश्चन से क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो अपने आगे आने वाले एग्जाम में। ओके, थैंक यू एवरीवन। कोई और क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।